Namaste. How often have you heard of this term? Familiarity breeds contempt. मतलब यह है कि जिस चीज़ों से आप एक्स्ट्रा फेमिलियर हो जाते हैं लोगों के बारे में स्पेसिफिकली यू स्टार्ट लुकिंग एट दैम वेरी डिफरेंटली एंड फेमिलियरिटी डज ब्रीड कंटेंप्ट. मतलब यू प्रॉब्ली हैव द बेस्ट पीपल अराउंड द बेस्ट पर्सन अराउंड यू. यू माइट बी द बेस्ट सप्लायर, द बेस्ट क्लाइंट, द बेस्ट एम्प्लॉई, द बेस्ट ऑफ वट एवर, द बेस्ट ऑफ सिचुएशन. पर समटाइम्स यू नो उसी चीज़ को बार बार देख कर यू स्टार्ट सेइंग ओके ये तो क्या बस ठीक ही है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है. दैट्स वेन दैट माइंड सेट ऑफ फेमिलियरिटी स्टार्ट नॉट जस्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड बट रियली लीड्स टू कंटेंप्ट. अरे इसको क्या आता है, वही मुझे सिखा रहा है, क्या पता है यार ये किस तरह का मेरा सप्लायर है, वही तब थक गया है उसके साथ, ये 500 बार यही चीज़ें उसको बता रहा हूँ लेकिन वही गलतियाँ करता है. समटाइम्स डोंट मिस दिस, आई दिस इज माई सजेशन, इज फेमिलियरिटी डज ब्रीड कंटेंप्ट. दीज आर द बेस्ट पीपल अराउंड यू एंड समटाइम्स यू जस्ट टेक देम फॉर ग्रांटेड. समटाइम्स आई वुड रियली हैव यू से respect the familiarity around you because you might not get it somewhere else. So look at your entire business, look at your last 90 days, 120 days and see and also say and ask yourself kaisi kaun si cheeze hain where I am looking at things saying you know what, familiarity is breeding contempt. Look at it, do the analysis and respect familiarity. Thank you.